आपका मेन मोटिव क्या है लाइफ में, कि जो आपके गोल्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं जो आपने सेट करे हुए हैं, उनको अचीव करना या हर वक्त एनर्जेटिक रहना, दोनों में से क्या है वो आपका अचीव मोटिव? करना। उनको अचीव करना, राइट? सो द क्वेश्चन मस्ट बी कि वो गोल्स कैसे अचीव हो, या जो भी आपके गोल्स हैं दैट कुड बी रिलेटेड टू योर हेल्थ और वेल्थ, जो भी आपका करियर है उससे रिलेटेड हो सकता है, कोई भी गोल्स हो सकते हैं आप। तो अब वो अचीव कैसे होते हैं? बेसिकली आप कभी ऑब्जर्व करो कि जंगल में जो शेर है वो शिकार कैसे करता है। वो आप किसी भी ये जो चैनल है अपना, वाइल्ड लाइफ के चैनल्स हैं, डिस्कवरी चैनल है, वहां पे आप देख सकते हैं वो क्या करता है कि वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करता है। मतलब वो ऐसा नहीं कि पागलों की तरह भागता रहता है पूरा सुबह से रात तक, क्योंकि अगर वो भागता रहेगा तो जिस वक्त उसको एनर्जी चाहिए उस वक्त उसके अंदर एनर्जी बचेगी ही नहीं, राइट? एनर्जी को कंजर्व करना जरूरी होता है हमारे अंदर। वो एनर्जी कंजर्व कैसे होती है कि जब आपके पास में कोई काम है करने के लिए, देखो ऐसा तो नहीं है ना पूरे दिन 24 घंटे कुछ ना कुछ होता ही है हमारे पास करने के लिए। 24 घंटे में से मान लो 4 घंटे ऐसे हैं जब आपके पास में एक्चुअल में कुछ ढंग का करने के लिए है, तो उस वक्त आपने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, मतलब अपना 100% लगा दिया उस काम में विद 100% फोकस एंड डेडिकेशन एंड एनर्जी, और बाकी के टाइम जैसे ही वो काम खत्म हुआ पूरी तरह से रिलैक्स हो गए, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो जब आप रिलैक्स हो रहे हो तो क्या हो रहा है, वो एनर्जी वापस से आपके अंदर आ रही है। जैसे जब हम सो जाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी वापस से एनर्जाइज होकर के उठते हैं, अगर नींद अच्छी आई है तो वापस से एनर्जाइज हो जाते हैं। तो आपको ये दोनों स्किल आनी चाहिए लाइफ में। कई बार एनर्जी को वेस्ट नहीं करना होता है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि जब एनर्जी की जरूरत नहीं होती है तब एनर्जेटिक हो जाते हैं, मतलब बिना बात के अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दिया, फिर जब कुछ करने लायक काम आया उस वक्त उनके अंदर एनर्जी ही नहीं है वो काम करने की। ये आप नोट करोगे बहुत सारे लोगों को, या फिर एनर्जी गलत जगह पे लगा दी, एनर्जी हाँ, जहां पर लगानी चाहिए वहां ना लगा करके कहीं ऐसी जगह लगा दी जहां से कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा है और वो एनर्जी वेस्ट हो गई हमारी। तो एनर्जी को कंजर्व करना सीखो, एनर्जी को प्रिजर्व करना सीखो। अब उस एनर्जी को कब निकालना है, कहाँ निकालना है, कितनी देर के लिए एनर्जी को यूज करना है, वो कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, और ये समझदारी भी होनी चाहिए कब कहां पर कितनी एनर्जी की जरूरत है। सो द क्वेश्चन मस्ट ऑलवेज बी दिस कि इस बैलेंस को हम कैसे मेंटेन करें। मतलब जब एक काम हो गया है, जैसे मान लो एक्सरसाइज कर ली आपने 1 घंटा, तो उसके बाद आइडली 5 से 10 मिनट आराम से बैठ करके सिर्फ अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है, मतलब पूरी तरह से रिलैक्स हो जाना है, मेडिटेट मेडिटेट करना है। उसको आप मेडिटेशन वर्ड भी कह सकते हो, उसको आप ये भी कह सकते हो कि आप एनर्जी को फील कर रहे हो, आपके अंदर एनर्जी तो है, उस एनर्जी को आप फील कर रहे हो, उसको प्रिजर्व कर रहे हो, उसको कंजर्व कर रहे हो। तो फिर क्या होगा कि जब आप वहां से आप बाहर आओगे तो यू विल फील मच बेटर। तो हो सकता है आप एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होगे, बट यू विल बी एट ईज, योर माइंड विल बी पीसफुल। फिर दोबारा से जब कुछ करना होगा उसकी कुछ देर बाद, तब आपके अंदर दोबारा से एक एनर्जी होगी। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि जब जरूरत हो तो पूरी तरह से आपने एनर्जी को लगा दिया, और जब जरूरत नहीं है तो एनर्जी को प्रिजर्व कर लिया, सेव सेव कर लिया। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन लाइफ।